हेलो गाइस, माय नेम इज़ आयुष मेथी। इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों हमें मोटिवेशनल वीडियोस नहीं देखनी चाहिए। डोंट वॉच मोटिवेशनल वीडियोस। क्यों और किन मोटिवेशनल वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ? व्हाट इज़ अ मोटिवेशनल वीडियो एंड व्हाई वी शुड नॉट वॉच दैम? मोटिवेशनल वीडियो की कौन सी मैं बात कर रहा हूँ? मोटिवेशनल वीडियो इन द सेंस वो वीडियो, और वीडियो ही नहीं, वो फोटो या वो सॉन्ग या वो कोई भी आपका कोई भी चीज़ मान लो जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए बूस्ट देती है, शॉर्ट टर्म के लिए एनर्जी देती है और आप उसको देखने के लिए वापस एडिक्टेड हो जाते हो। आप बार बार उसको देख के अपने काम कंप्लीट करने लग जाते हो और आपको पता है अच्छी तरह पूरा मार्केट है मोटिवेशनल वीडियोज़ का एंड मोटिवेशनल सॉन्ग्स का, और ये भी आपको पता है कि कौन कौन सी मोटिवेशनल वीडियोज़ है जो आपको शॉर्ट टर्म का प्लेजर देती है, शॉर्ट टर्म का बूस्ट देती है और आप फिर उनके पास वापस कोई काम करने के लिए चल जाते हो। आखिर क्यों? और कुछ एक्सेप्शंस हैं फिर भी यूट्यूब पे और हर जगह जिसमें आपको मोटिवेशन नहीं मिलता, विजडम मिलती है, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द चैनल्स, मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स आपको मोटिवेशनल वीडियोज़ देते हैं, केवल आपको शॉर्ट टर्म का प्लेजर देते हैं। तो ये वीडियो क्यों नहीं देखनी चाहिए? क्या दिक्कत है इनमें? जब हमको एनर्जी भी मिल रही है, बूस्ट भी मिल रहा है, क्या दिक्कत? अगर शॉर्ट टर्म के लिए मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? शॉर्ट टर्म के लिए मिल रहा है पर मिल तो रहा है। देखो, इंसानों की फितरत क्या होती है कि इंसान हमेशा किसी चीज़ को बस फटाफट करने में लग जाता है। इंसान क्या है, आगे की नहीं सोच पाता और कोई भी चीज़ उसको अभी मिल रही है तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करता है और इससे एक पूरी साइकिल क्रिएट हो जाती है। और ये साइकिल आपकी यही है, ये जो मोटिवेशन है ना, ये वही साइकिल है। आप क्या करते हो, आपके सामने कोई भी टास्क है, कोई भी चैलेंज है, आपको पता है आपसे नहीं हो रहा, कैपेसिटी आप सोच रहे हो, ऐसा सोच रहे हो कि आपकी कैपेसिटी स्कोर नहीं है करने की, या फिर आपको रोज़ कोई काम करना पड़ रहा है, या मान लो यूपीएससी की प्रिपरेशन आप कर रहे हो और वही किताबें वही चैप्टर आपको पढ़ने हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि बस मोटिवेशन नहीं रहेगा यार, ये क्यों पढ़े, आपको बोरिंग लगने लग जाएगा और कोई नया चैलेंज आ गया तो उसकी कैपेसिटी तो आप सोचोगे कि है ही नहीं करने की। आप क्या करोगे, मोटिवेशनल सॉन्ग देखोगे, मोटिवेशनल वीडियो देखने लग जाओगे, आप मोटिवेशन की तरफ भागने लग जाओगे। और ऐसे मोटिवेशन यूट्यूब पे बहुत पड़े हैं जो आपको उस काम के लिए इतना एनर्जी दे देंगे कि आप उस काम को 100% सक्सेसफुल भी हो जाओगे, उस काम करने में हो जाओगे, लेकिन इससे साइकिल की शुरुआत हो गई। क्योंकि आप जब अब अगले दिन जब आप काम करोगे तब आपको वही चीज़ चाहिए, क्योंकि आपको वो आदत लग गई, अब आपको वही वीडियो चाहिए, वही सॉन्ग चाहिए और वही सारी चीज़ें चाहिए, उसी आदमी की आवाज़ सुननी है आपको और उसी तेज़ आवाज़ सुननी है, कुछ कर डालो, कुछ उखाड़ डालो, तुम्हारे सीने में आग है, ऐसी चीज़ें हमको सुननी है, है? होता क्या है कि सारे टास्क आप कंप्लीट करते जाओगे, मान लिया कि जो काम आप करना चाहते हो उसमें आप अचीव भी कर लोगे, बिल्कुल आप जो उसमें सफलता हासिल कर लोगे, एक दिन एक समय ऐसा आएगा जब आप को वो मोटिवेशनल वीडियो अच्छी नहीं लगेगी, उसमें आपको लगेगा यार इसमें मोटिवेशन ही नहीं है, जो चीज़ पहले थी ना वो चीज़ इसमें है ही नहीं। और ये चीज़ मैं प्रूव ऐसे कर सकता हूँ क्योंकि आप एक ही मोटिवेशनल वीडियो को बार बार नहीं देख सकते, एक बार दो बार ज़्यादा मोटिवेशन, ज़्यादा आपको एनर्जी दे रहे तो 10 बार, आप एक मोटिवेशनल वीडियो सॉन्ग को बार बार नहीं देख सकते। और ये पुख्ता सबूत है उस चीज़ का कि आप जिंदगी भर इस मोटिवेशन के पीछे नहीं भाग सकते। मान लिया कोई और आपको वीडियो ऐसी मिल गई जो उससे ज़्यादा एनर्जी देती हो पिछली वाली वीडियो से, आप बढ़ते गए, लेवल बढ़ाते गए मोटिवेशन का और काम का भी लेवल बढ़ाते गए, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको मोटिवेशनल वीडियो और सॉन्ग से आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आपको मोटिवेशन आना ही बंद हो जाएगा, आप कोई भी काम करने बैठेंगे आपको फिर मोटिवेशन चाहिए और आपको मिल ही नहीं रहा, आप कितनी कोशिशें कर रहे हैं, कितने सॉन्ग ढूंढ रहे हैं, आपको मिल ही नहीं रहा। ये पूरी साइकिल अब बन चुकी है और ये तब हमको समझ में आता है जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम पूरा इस चीज़ में घिर जाते हैं, जब ये बीमारी ना हमको ग्रस्त कर लेती है और ये जो साइकिल बन चुकी अभी साइकिल है, निकलना मुश्किल है क्योंकि हमको उस शॉर्ट टर्म प्लेजर की आदत पड़ गई, ठीक है, नशा लग गया हमको कि बस वो चीज़ ना हमको मिले, बार बार ना हम करते रहे वो चीज़। तो ये वाली जो नशा है, जिस नशे की मैं बात कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बीमारी है। अब होता क्या है कि मान लो आपको मोटिवेशनल वीडियो तब नहीं मिल रही, जितनी सारी सॉन्ग्स थे वीडियोस थे आपने सुन लिए, अब आपको वो वीडियो काम ही नहीं कर रही तो आप खुद को कोसने लग जाओगे कि ज़िंदगी ऐसी है, मोटिवेशन नहीं है, मैं क्यों इतना डिमोटिवेट हूँ, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाएंगे और आप खुद को कोसने लग जाओगे और वो जहां आप पहले थे मोटिवेशनल वीडियो देखने से पहले
उसी स्टेज पे आप वापस पहुंच जाओगे। तो पूरी इस जर्नी में, इस पूरी यात्रा में आपने खुद को खुद से अलग कर लिया, आपने खुद को उस साइकिल के अंदर फंसा लिया जिसमें से निकलना बेहद मुश्किल है। मैं आपको डरा नहीं रहा, ये सत्य है, ट्रुथ है। आप मेरी बात पे चाहे विश्वास करिए या ना करिए, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। अब इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। हम मोटिवेशन की तरफ जाते हैं क्योंकि हमारी ज़रूरत होती है। हम किसी भी टास्क जो सोसाइटी के द्वारा दिया गया है या हमने कुछ सोचा है वो हम कर नहीं पाते, तो एब्सोल्युटली हमें कोई चीज़ चाहिए कि जब हम उसको पूरा करें तो कुछ हमको एक पुश मिले। ये जो चीज़ है ना, आप कोई भी चीज़ को सही गलत नज़रिए से मत देखो कि ये जो पुश है, ये जो एनर्जी है गलत है। अभी सही गलत पे मत जाओ, अभी कंक्लूजन पे मत जाओ, अभी देखो कि ये चीज़ क्या है, फिर ये चीज़ का इफेक्ट कैसा है, फिर उस पर देखेंगे सही है गलत है। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? एनर्जी। आपको क्या चाहिए? पुश चाहिए, शॉर्ट टर्म बूस्ट चाहिए। ये कहाँ से आदत पड़ी इस चीज़ की, और ये दिमाग में कैसे आया कि ये चाहिए? बच्चे थे हम, पढ़ते थे, 100 में से 50 नंबर आए, घर वाले कहते थे कि देख बेटा 100 में से नंबर लाया दूसरा बच्चा, उतने इतने नंबर लाने हैं तेरे को, और उतने क्यों नहीं लाया तू? ये नहीं बता रहे कि तू 50 नंबर लाया कैसे, और तेरी क्या कमियाँ हैं, और तेरी क्या स्ट्रेंथ है। अगले दिन आप 50, अगर 100 में से आप 80 भी ला देते हो और 90 नहीं लाते तो भी आपको डांट ही पड़ेगी। हो सकता है एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कि आप कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने हमें बच्चों की तारीफ करते हैं और उनकी अभी हमेशा जो है साथ देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी पेरेंट्स डांटेंगे, कुछ तारीफ कर लेंगे लेकिन उनको अभी भी ये बोलेंगे कि तेरे को 100 में से 90 पहुंचना है, कुछ भी करना है। ये जो 30 नंबर बढ़े 50 से 80 इससे मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन वो तू आगे क्यों नहीं है, तू उस बच्चे से आगे क्यों नहीं है? ये चीज़ जब हमारे, अब बच्चे थे हम, तो हमको तो जो दिमाग में भरा जाएगा वही हम समझ लेंगे, और पूरा जो दिमाग है ना हमारा, आज जो भी हमारे थॉट्स आते हैं ना, ये सब इस दुनिया के दिए हुए हैं, एक भी थॉट हमारा ओरिजिनल नहीं है। हम हमेशा वही चीज़ मन में दोहराते रहते हैं जो इस दुनिया से हमने सुनी है, जो दुनिया ने हमको बोली है, जो हमारे कानों में हर वो बात सारी दुनिया की है। ये चीज़ जब हमारे दिमाग में पड़ी कि हमको 100 में से नंबर लाने हैं और उस बच्चे के जितना हम क्यों नहीं कर पा रहे, वहाँ से शुरू होता है कॉम्पिटिशन। एक एक बच्चा क्लास में हमारा कॉम्पिटिटर बन जाता है, प्यार, ठीक है, भाईचारा, मतलब एक आप कह सकते हैं बॉन्डिंग सब चली जाती हैं, बाहर दिखती होंगी लेकिन अंदर ही अंदर हम अपने दोस्तों से भी कम्पीट करने लग जाते हैं, होता ही नहीं होता, जिलेसी होने लग जाती है ज़्यादा नंबर ले आता है। तो ये शुरुआत यहाँ से हुई, घर पे से, हमने घर पे जो सीखा, घर पे जो हमने देखा, वो हमने स्कूल में जाके देखा कि वास्तव में ऐसा ही हो रहा है, कॉम्पिटिटर ही कॉम्पिटिटर है, सारे बच्चे अच्छे नंबर ला रहे हैं। तो हमको क्या हुआ कि हमको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए थी ताकि हम उनसे कम्पीट कर सकें, ताकि हम उनसे आगे निकल सकें। तो आपके सामने दो चीज़ें आई, एक तो पेरेंट्स और टीचर्स। पेरेंट्स आपको घर पे हमेशा मोटिवेशन देंगे, पुश करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए और बिना किसी कारण के, या तो आप कैसे बोलेंगे कि बेटा पढ़ लोगे तो नौकरी लग जाएगी, पैसा कमा लोगे, पढ़ लिख लोगे तो अच्छी लड़की मिल जाएगी, आपको फ्यूचर के बारे में बताएंगे, देखो भैया आज लड्डू नहीं है कल लड्डू मिल जाएगा इसलिए आज ना मेहनत करो, इसलिए आप कैसे बोलेंगे। टीचर क्या बोलेंगे? टीचर आपको इस तरीके से पुश करेंगे, वो और भी ज़्यादा पुश देंगे, और भी ज़्यादा एनर्जी देंगे, समझाएंगे नहीं कि आखिर क्यों क्यों तुम्हें उसके कंपैरिजन करना है, करना भी क्यों नहीं करना, 100 में से 90 नंबर लाना गलत नहीं है लेकिन किसी और को देख के लाना ये क्यों गलत है, ये नहीं समझाएंगे, कोई भी नहीं समझाएगा आपको। पेरेंट्स, टीचर, सोसाइटी आपको बस, आपको जब वो जो होते हैं ना अवार्ड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जब आपको तब भी आपको पुश किया जाएगा। और ये जो चीज़ है ये आपके दिमाग में फीड होती जाती है, टीचर से जो सीखा, घर वालों से जो सीखा, सारी दुनिया हमारी कॉम्पिटिटर हो गई, हम एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करने में लगे हैं स्कूल में, और ये जो पुश मिला हमको, एनर्जी कहाँ से मिली? पेरेंट्स से और टीचर से। जब हम कॉलेज में आते हैं तो वो टीचर्स नहीं रह जाते और पेरेंट्स हमको समझाना बंद कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं? वही चीज़ कहीं और ढूंढने लग जाते हैं। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए आपके सामने इतने सारे चैनल हैं, फेसबुक हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, आपको ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ दिखाई जाएंगी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। कुछ बच्चे ना, मतलब जो IAS ऑफिसर्स होते हैं उनकी रेड लाइट की जो गाड़ियाँ होती हैं और बेंगलोर देख के ना ऐसे एनर्जी आती है बच्चों को, गलत नहीं है, सही गलत मत जाना, मैं वापस कह रहा हूँ, चीज़ ये देखो कि वो चीज़ किस जगह फंस रहे हैं, वो उसी जगह वापस जा रहे हैं जब वो बच्चे थे और उनको उसी चीज़ की ज़रूरत थी। वही चीज़ जो है अब टीचर्स और पेरेंट्स की जगह किसने ले ली? वो स्पीकर्स ने, वो मोटिवेशनल जो स्पीकर्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ हैं जो वास्तव में आपको सही विजडम देते हैं, कुछ है जो आपको बिना मतलब का पुश करते हैं। ये जो टीचर्स ने, इन्होंने, ये जो मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, इन्होंने इनकी जगह ले ली और अब आप इनकी तरफ भागना शुरू हो गए, ये आपको अब जबरदस्ती दौड़ा रहे हैं, दौड़ो दौड़ो, बता नहीं रहे क्यों दौड़ना है लेकिन आपको जबरदस्ती दौड़ा रहे हैं। अब जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया था कि एक साइकिल बन जाती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि जब हम फंस जाते हैं,
हमारे पास पैसा भी होता है, हमारे पास सब कुछ होता है, और ज़िंदगी में हम रो रहे होते हैं, बाहर से तो हम दिखा रहे होते हैं देखो कितना पैसा, लेकिन अंदर ही अंदर हम रो रहे होते हैं। हमारे पास अगर गाड़ी है तो हम BMW को देख के रो रहे होते हैं, हम हमेशा अपने बड़े वाले को कंपैरिजन करते हुए रो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन में जब से हम पैदा हुए ना, तब से हमको कंपैरिजन ही करना सिखाया, तुमको हमको कॉम्पिटिशन ही करना सिखाया बचपन से ही, और जब तक हम मरते हैं ना, मरते तब तक हम पड़ोसी से कॉम्पिटिशन करते रहते हैं, उसके पास ऐसा क्यों है, उसके पास ऐसा क्यों है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। और पूरी ज़िंदगी भर हम दूसरों से जब कंपेयर करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, दूसरों से जब हम कंपेयर करते हैं, दूसरों से जब हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो हम उसको जानने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर ऐसा है क्या, और इस जानने की प्रोसेस में हम खुद से अलग होते जाते हैं, पूरी तरीके से हम खुद से अलग होते जाते हैं, और इसका फ़ायदा जो है वो बाकी दुनिया उठाती है। और अब जब एक समय ऐसा आता है कि आप खुद को समझ ही नहीं पाते, हम समझते ही नहीं है कि आखिर हमको गुस्सा क्यों आ रहा, रोना क्यों आ रहा, हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। ऐसा भी तो हो सकता था कि आपको कभी किसी मोटिवेशन की जरूरत ही ना पड़ती, ऐसा भी तो होता कि आप किसी कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं पड़ती, और आप किसी भी फील्ड को आप लाइक करते, उस फील्ड में आप घुस जाते तो सक्सेसफुल होते, आपकी अपनी खुद की डेफिनेशन होती सक्सेस की। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपको डेफिनेशन, सक्सेस क्या है, सफलता क्या है, पैसा क्या है, सब आपको इस दुनिया ने आपको दिया है, सब कुछ आपको पता है, आपको खुद को कुछ नहीं पता कि मेरी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, मैं खुश किस चीज़ में रह सकता हूँ। नहीं, आपको इस दुनिया ने बताया कि ये चीज़ बेटा इस चीज़ में खुशी है। और दुनिया को देख लो, दुनिया खुद जो है वो, आप किसी को भी देख लो, कोई भी, मोस्ट ऑफ देम अभी बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, सब जो है इसी बीमारी से ग्रस्त हैं। अब जैसा कि हमने बात किया कि ठीक है, ये बीमारी है हमारी, इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब हमने बीमारी तो देख ली, हमको क्या करना चाहिए। देखो, सॉल्यूशन जैसा कि है, जब मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा तो आधे लोग तो तभी वीडियो स्टॉप कर देंगे, क्योंकि उनको उनको उम्मीद थी कि मैं कुछ ऐसा बताऊंगा, वही शॉर्ट टर्म एनर्जी आदत थी ना, कि ऐसा कुछ तड़कता फड़कता जवाब दूंगा, आसमान में चढ़ा दूंगा उनको, बिल्कुल छाती चौड़ी करवा दूंगा, ऐसी ऐसी कुछ बातें बोलूंगा कि बस दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको आपका रूट में लेके जाऊंगा, आपके ट्रुथ में लेके जाऊंगा, जो आपके साथ करनी चाहिए थी और आपने वो की नहीं, क्योंकि इसमें गलती आपके सोसाइटी की मान लो, समाज की मान लो, हर आदमी की मान लो जो आपके साथ है। और ये क्या चीज़ करनी चाहिए थी, दो चीज़ हैं बस, ये दो चीज़ हैं ज़िंदगी में, दो चीज़ हो जाए ना बस। आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी फील्ड में, दुनिया के किसी भी फील्ड में आप चल जाओ, आपको सफल होने से आपकी खुद की डेफिनेशन होनी चाहिए सफलता की, कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी। ये दो चीज़ें हैं, आसान नहीं है, ईजी पाथ इज नॉट ऑलवेज द राइट पाथ, आसान नहीं है, कठिन है, और कठिन इसलिए अब और भी होगा क्योंकि आप जिस बीमारी से ग्रस्त हैं मोटिवेशन की, वो इस ओर आपको झुकने ही नहीं देगी। क्या दो चीज़ें हैं, ऑब्जर्व योर सेल्फ एंड क्वेश्चनिंग इज द बिगनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। पहला स्टेप, ऑब्जर्व योर सेल्फ, क्यों? देखो, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया से कंपेयर मत करो, दुनिया से कंपेयर तब करनी चाहिए ना जब हम खुद को जान लें, जब हम खुद को जानते नहीं हैं और दूसरे जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तो जब हम खुद जो वो हैं वो तो अलग ही हो जाता है, और दूसरा भी बनने की कोशिश में हम सफल नहीं हो पाते, तो हम ना इस तरह की पर्सनैलिटी बन जाते हैं कि हमारे खुद के थॉट्स नहीं होते, कोई अपने इशारों में हमको नचा सकता है, कोई कुछ भी हमको करवा सकता है। इसलिए ऑब्जर्व योर सेल्फ, कैसे करो ऑब्जर्व, सर बता तो दिया लेकिन करोगे कैसे? 5 मिनट बैठ जाओ खुद के साथ, थॉट्स देखो खुद के। सबने बोला होगा आपको ये चीज़, बहुत बार आपने सुना होगा कि ये थॉट्स देखो खुद के, क्या मतलब है इसका? देखो, ये कोई दवाई नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको 5 मिनट बैठोगे तो आपको कोई मंत्र मिल जाएगा, कोई जादू हो जाएगा, कोई आपको ऐसी चीज़ मिल जाएगी दिमाग में, कुछ अलग ही चीज़ नहीं। आप जब ऑब्जर्व करोगे तो एक प्रैक्टिस है उस चीज़ की, पेशेंस की। आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए। मोटिवेशन इज़ अ फैलेसी, आपको पेशेंस चाहिए। जब आप ऑब्जर्व करोगे 5 मिनट बैठ के, तो खुद के जब थॉट्स को देखोगे तो दो चीज़ होगी, एक तो थॉट्स आना ही बंद हो जाएंगे, कई होगी तो थॉट्स आना ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि जब हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं हमारे दिमाग को तो शांत हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर थॉट्स आ रहे हैं तो देखो कि वो थॉट, सबसे पहला थॉट आया क्या, सबसे पहला थॉट क्या आया, और किस चीज़ में हम फंसे हुए हैं। सही गलत पे मत जाना, मैं दोबारा कह रहा हूँ, सही गलत पे मत जाना कि कौन सा थॉट किस चीज़, कोई बुरा है कोई सही है, नहीं, कोई नेगेटिव है पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव जैसी चीज़ दुनिया में नहीं होती, ये सब हमारे परसेप्शन है। सही गलत पे मत जाना, देखो कि हो क्या रहा है, कितना ही गंदे से गंदा थॉट है, कितना ही अच्छे से अच्छा थॉट है, जजमेंट मत देना, सोचो बस ये क्या है, ये थॉट आया बस ठीक है, ऑब्जर्व कर लिया, कोई भी चीज़ आ रही क्यों आया, बस ठीक है, सही है गलत नहीं, आया क्यों, कहाँ से रिलेटेड है ये थॉट, दिया किसने मेरे को ये थॉट, मेरे दोस्त ने दिया है, मेरे पेरेंट्स ने दिया है, क्या ये थॉट सही भी है? यहाँ से होती है क्वेश्चनिंग इज द बिगनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, क्या ये जो मैं सोच रहा हूँ सही भी है, क्या जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, क्या जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, क्या जो चीज़ मैं, ये जो मेरे अंदर चल रहा है वो सही है क्या,
इस दुनिया में मैं क्यों हूँ, मैं हूँ क्या, ये तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, मैं हूँ, दुनिया है, भगवान है, मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ असलियत में, ये तो ऐसे प्रश्न है कि सालों निकल जाएंगे आपको जवाब नहीं मिलेगा। और इन ये जो टिप्स मैं बता रहा हूँ और आपको करने में अगर दिक्कत हो इनको करने में, फॉलो करने में, तो समझ जाना उतनी बड़ी बीमारी आपको मोटिवेशन की लगी हुई है। क्वेश्चनिंग जब आप करोगे अपने हर थॉट से तो आपको ना बॉडी रेसिस्ट करेगी, माइंड रेसिस्ट करेगा, आपको रोकने की कोशिश करेगा कि यार क्या क्वेश्चन कर रहा है, जाना वो वीडियो देख, वो ना मोटिवेशनल सॉन्ग कोई सॉन्ग देख, कोई ना बूस्ट ले एनर्जी का, ताकि ना ये थोड़ा ये तुम्हारा टाइम वेस्ट ना बंद हो जाए, ऐसा माइंड रेसिस्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि माइंड को आदत पड़ गई वो चीज़ डोज लेने की, उसको परवाह ही नहीं है कि क्या मैं सोच रहा हूँ वो सही है। और ध्यान रखना कि यही चीज़ जो है आगे जाके आपको दिक्कत करेगी, क्योंकि वो अब माइंड हमारा क्यों डेवलप नहीं है, सेल्फ एवोल्यूशन हम क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि माइंड को हमने आदत ही नहीं लगाई क्वेश्चनिंग की। प्रश्न करो हर चीज़ पे, मेरी भी वीडियो पे, मेरी भी चीज़ों पे प्रश्न करो कि मैं क्या सही बोल रहा हूँ। और जवाब ना ऐसे कूदने की कोशिश मत करो कि जवाब फटाफट सी मिल जाए हमको, जवाब आपका नहीं आएगा, आपके दिमाग में जो थॉट है ना वही दोबारा आएंगे, जो आप सोचते थे वही चीज़ आएगी, कोई नया जवाब नहीं आएगा, उसके लिए आपको पेशेंसली वॉच करना पड़ेगा। दो बार पूछो वो क्वेश्चन, तीन बार पूछो, फिर दुनिया को देखो कि दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जो चीज़ सोच रहा हूँ वो दुनिया से क्यों सोच रही है, और जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि भाई एक गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा तो दुनिया खुश हो जाएगी, यानी हमारे हम जो खुश हो जाएंगे, तो क्या वास्तव में दुनिया खुश है इस चीज़ से? जिसके पास गाड़ी है बंगला है वो खुश है, वो और लालच नहीं कर रहा क्या पैसों का, वो और पाना नहीं चाहता क्या, क्या उसको और बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए क्या? कौन है जो खुश बैठा है आराम से एक गाड़ी लेके और उसको अब गाड़ी चाहिए नहीं, और वो गाड़ी चल जाए, चलो मान लो किसी को और गाड़ी नहीं चाहिए बड़ी, लेकिन वो उस गाड़ी के चक्कर में बैठा है कि ये ना ये नहीं चल जाए, BMW है मेरे पास, BMW चोरी ना हो जाए, इसका ख्याल रखें, जो हमारा धंधा इतना बड़ा वो बिजनेस जो है वो चले नहीं जाए, ये भी एक तरीके का डर ही है, ये भी एक तरह की बीमारी है। तो क्वेश्चनिंग करो कि हम क्यों आखिर इन चक्रों में पड़े हुए हैं, और ये मैंने आपको ट्रुथ दिखाया है, ये मैंने आपको बताया है किस तरीके से आपको काम करना है। अपने माइंड, जब भी आप गुस्सा होएंगे, रोएंगे, हंसेंगे, ऑब्जर्व करो, गुस्सा होने के बाद जो आपने उथल पुथल कर दी ना दुनिया, जो आपने किसी को इतना बुरा कुछ बोल दिया, आप ऑब्जर्व करो कितना आपको गिल्टी फील होता है। माइंड है सबसे बड़ा दुश्मन आपका, दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन माइंड है, ये आपको वो चीज़ करने के लिए बोलेगा जो आपको उस टाइम से लगेगी, और अगले दिन जो ये किसी भी चीज़ पर डाल दो, आप खाने पर डाल दो, जब आप कुछ फास्ट फूड खाते हैं तो खाते समय तो बहुत बढ़िया लगता है, बाद में जो है अपने को दिक्कत आती है, अजीब सा लगता है, डाइजेशन सही रहता, मूड ख़राब हो जाता है बिना मतलब, ये सब फूड की वजह से। तो ये जो माइंड है सबसे बड़ा दुश्मन है, तो इससे लड़ना नहीं है, माइंड को कभी भी आप लड़के कॉन्क्वायर कर ही नहीं सकते। एक सीधी सीधी रेमेडी मैंने आपको स्क्रीन पर डाल दे रखी है, ऑब्जर्व योरसेल्फ, जब आप ऑब्जर्व करेंगे ना अपने आप शांत हो जाएगा, और ये पहली चीज़ आपको इसका सबूत तब मिल जाएगा जब आप अपने दिमाग को ऑब्जर्व करेंगे तो थॉट्स आने बंद हो जाएंगे। ट्राई करो आंखें बंद करके 5 मिनट, अभी ये देखो मेरे दिमाग में चल क्या रहा है, तो आपको थॉट्स आने बंद हो जाएंगे एकदम से, और नहीं होए बंद तो इसका मतलब बीमारी आपको ज़्यादा ही है। कोशिश करो, कोशिश करो, एकदम से आपको थॉट आना बंद हो जाएंगे। तो माइंड को लड़के कॉन्क्वर नहीं कर सकते, उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। जब आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितनी बड़ी डिबेट, कितने बड़ा आर्ग्यूमेंट, कितनी बड़ी लड़ाई कर लो किसी से और आप जीत भी जाओगे तो भी आपको गिल्टी फील होगी, ये चीज़ जब आपको समझ में आ गई, तब माइंड जो है दोबारा जब गुस्सा होएगा, दोबारा जब रोने लगेगा, दोबारा कोई ऐसी चीज़ करेगा, तो आपको ये चीज़ समझ में आने वाली होगी कि आगे हम क्या करने वाले हैं। आपको पता होगा पहले से कि गुस्सा आ रहा है मेरे को, मैं कुछ बुरा कर दूंगा, तो आप वहीं रुक जाएंगे, माइंड आपका वहीं शांत हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अब जो है समझ में आ चुका है इस आदमी को। और ये बातें जो है मैं हवा में नहीं बोल रहा, ये बात जो है ये आपकी हर रिलेशनशिप पे इफेक्ट करेगी, ये जो मोटिवेशनल जो कंपैरिजन वाली चीज़ है ना, आपकी लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में, आपके हर चीज़ में, आपकी ज़िंदगी में, एक एक आपकी नौकरी में, ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में हर जगह इफेक्ट करेगी। और हम 99% हमारी दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कतें 99% अपने बोलने से आती है, हम क्या बोलते हैं मुंह पर तरीके से कुछ भी बोल देते हैं, समझ में नहीं आता, बाद में जब हम रिग्रेट करते हैं कि ऐसा क्यों बोला, तब खुद को ही कोसने लगते हैं कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। जी बिल्कुल बेवकूफ़ हैं हम, क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चनिंग नहीं की कि हम जो सोचते हैं या फिर जो मैं बोलने वाला हूँ ये सही भी है या गलत है, या जो मैं चीज़ बोल चुका ये मैं बोला क्यों, और दोबारा क्यों नहीं बोलना चाहिए, क्यों बोलना चाहिए, क्या ये सही था, क्या ये नेसेसरी था बोलना, क्या सच भी था, हम जो सोचते हैं वो सच भी है, तो ये चीज़ हमको देखना पड़ेगा। मैं ये चीज़ें करो, ठीक है, क्वेश्चनिंग वगैरह करो, ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, एकदम से आपको आंसर नहीं मिलेगा, और डेली मैं सेशन डालूंगा। कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं आप कि हर चीज़ पे प्रश्न उठाओ आप, ठीक है, चाहे वो किताबों में हो, चाहे वो सोसाइटी में हो, और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करो, क्या है वो, जवाब नहीं मिले कोशिश करो, ठीक है। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा, बिल्कुल भी आपका फोर्स नहीं करूँगा, आप अपनी मर्ज़ी से जो आप कर रहे हो करते रहिए, लेकिन जिस दिन
जिस दिन आप इस दुनिया से परेशान हो जाएंगे और जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि जब तक मैं जो मोटिवेशन वाला काम कर रहा था वो गलत है, आराम से फ्री होके फ्री माइंड से मेरी वीडियो देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा मैं कितना सच बोल रहा था। अभी मैं आपको किसी को भी फोर्स नहीं करूँगा। और सबसे बड़ा मोटिवेशन मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपका, आप खुद मिरर में जाके खुद को देख लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट खुद को ऑब्जर्व करिए। नहीं देखा जाएगा ना, क्यों? हम खुद को ही नहीं देख सकते 5-10 मिनट। 5-10 मिनट बैठो तो सही कुर्सी लगा के मिरर के सामने, आप उठने लग जाओगे, आपको ना कुछ मिलेगा नहीं, आपको अजीब से लगेगा। देखो खुद को देख के हमको मोटिवेशन नहीं आ रही, तो हमें कहीं ना कहीं कितनी कमी है। और जब आप क्लोज़र जाओ, अपने चेहरे को देखो, अपनी आँखों में देखो क्या है, आपको ना अपनी पास्ट याद आने लग जाएगा, अपना फ्यूचर याद आने लग जाएगा, और आपको ऐसी चीज़ें याद आने लग जाएगी जो आपको रेसिस्ट करेगी, जो आपको उठने पे मजबूर करेगी। लेकिन नहीं, आप देखो कि आपने जो सोचा था अब तक क्या आप अचीव कर लिए? आपने सोचा था मैं ये कुछ बन जाऊँगा, ये कुछ कर लूँगा, वो कर लिए, क्यों नहीं किए? कहाँ है वो गलती? क्या मैं जो कर रहा हूँ आज, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत नहीं है, क्या वो सही है? ये सब जब आप करोगे तो आपको अपना मोटिवेशन आप खुद बन जाओगे, और आप जब भी मिरर में देखोगे आपको अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। और फिर जब आप खुद मोटिवेशन बन जाओ तो उसके बाद कितनी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कोई भी आप पे गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गाइस आज के लिए मेरा इतना ही, कोई बातें ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, डेली सेशन में लाऊंगा। वीडियो कैसी लगी अपने बॉक्स क्वेश्चन कीजिए मेरी वीडियो को, क्या मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, और क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गुड ब्लेस यू ऑल।